गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी रीडर विषय पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे, ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। वृक्षों में अजीब सी हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज के सूर्य को देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहे हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह में तैयारियां हो रही है। बच्चे सबसे अधिक प्रश्न है, जल्दी मची है। सब लोग ईदगाह के लिए चलते हैं। हामिद बड़ा प्रश्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। 30 दिन रोज़ा रखने के बाद ईद आई हुई है और ईद का त्यौहार है, जिस कारण सभी लोग बहुत ही खुश हैं। गाँव में हलचल है। ईदगाह में तैयारियां चल रही है और ईद को लेकर बच्चे बहुत खुश हैं। सभी को ईदगाह जाने की जल्दी पड़ी है। हामिद एक बच्चा है, वो भी बहुत खुश है। वह 4-5 साल का गरीब और दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप पिछले वर्ष हैजे की बीमारी से मर गया और माँ भी ना जाने क्यों पीली होती होती वो भी मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है और उसी के साथ रहता है। अमीना का दिल कचपचा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है, वह उसे कैसे मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान कैसे, तीन कोस पैदल कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पर हामिद के उत्साह का क्या करें। अधिक पैसे भी पास नहीं है, क्या कुछ करके वह कुल 3 पैसे हामिद के लिए जुटा पाई है। हामिद जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। अब अमीना का दिल कचपचा रहा है। कचपचाना मतलब बहुत परेशान है। ये जो दादी माँ जो है, वो अपने पोते को लेकर बहुत चिंतित है कि सभी बच्चे अपने पिताजी के साथ ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हामिद जो है वो किसके साथ जाए। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो किसके साथ जाए, और मैं भी उसको नहीं ले जा सकती। इस तरह से सोच के वो परेशान हो रही है। मैं उस छोटे से बच्चे को अकेले भेज भी नहीं सकती। छोटा सा बच्चा पैदल कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। ऐसा सोच सोच कर हामिद की जो दादी है वो परेशान होती है। फिर सोचती है, पर हामिद के उत्साह का क्या करे, पैसे भी पास नहीं है। इस तरह से वो सोचती है और परेशान होती है, और उसके बाद इधर उधर से पैसा जमा करती है, जो 3 पैसे होते हैं, जिसे वो हामिद को देती है। और इसके बाद हामिद कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। इस तरह से सभी बच्चे ईदगाह के लिए चले जाते हैं। गांव से मेला चला। अब सारे बच्चे गांव से मेले की ओर चल पड़े। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। इस तरह से बच्चे मेले की ओर चले जा रहे हैं और
सब के सब बच्चे दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ जाते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वो बच्चे किसी पेड़ की छांव में खड़े होकर जो बच्चे पीछे हैं उनकी प्रतीक्षा करते हैं। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। अब वे चले जा रहे हैं, उसके बाद सहसा उनकी दृष्टि ईदगाह पर पड़ती है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, जहाँ ऊपर इमली के वृक्षों की घनी छाया है और नीचे का जो फर्श है वो पक्का है जिस पर बिछायत हो रही है। उसी इमली के वृक्ष के नीचे जहाँ छाया है वहाँ रोजेदार पंक्तियाँ में एक के पीछे एक बैठे हैं, नए आने वाले आकर उनके पीछे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है जिस कारण वे एक के पीछे एक लाइन पे खड़े हो रहे हैं। यहाँ धन और पद का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ सभी लोग सद्भावना के साथ एक साथ प्रेम पूर्वक पंक्तियों में खड़े हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगला पढ़ाई हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू।